आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, देखो आज हम कंपेरिजन पढ़ेंगे कि कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना, कि यहाँ पर V2 लगाएं यानी कि पास्ट सिंपल टेंस लगाएं या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएं किसी सेंटेंस में, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज हम क्लियर कर देते हैं, कंपेरेटिव तरीके से इसकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट, है ना, कि कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है और कहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब लगाते हैं, देखो जैसे कि ये टाइमलाइन है, ठीक है, टाइमलाइन दिख रही है आपको, आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और ये प्रेजेंट का टाइम है, ये कौन सा टाइम है, बीच में प्रेजेंट का टाइम, इधर जाएंगे तो पास्ट का, आगे जाएंगे तो फ्यूचर का टाइम आएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर जो पास्ट का जो टाइम है स्टूडेंट, इसके किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी सिचुएशन पर, है ना, जब मेरा भाई घर आया उस समय 3 बजे, है ना, जब मम्मी खाना बना रही थी उस टाइम, यानी जो भी कहो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन चल रहा था। अगर पास्ट की किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन क्या कर रहा था स्टूडेंट, चल रहा था पहले से ही, समझ गए, या फिर ये बताना है कि पहले से ही कोई एक्शन चल रहा था और उसके बीच में एक एक्शन हो गया फट से, तो इस टाइप के इस पॉइंट वाले एक्शन को हम किससे दिखाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस से, किससे, V2 से, और जो पहले से ही चल रहा था एक्शन उस पास्ट के टाइम पर उसको दिखाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, है ना। जब तुम आए तो मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम, यानी जब तुम आए वो आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम था, कल जब आप आए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले से ही कोई एक्शन चल रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा था, है ना, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम, सही बात है ना। जब तुम कल 3 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कल 3 बजे क्रिकेट खेला था, ऐसा कुछ नहीं, खेल रहा था, है ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 3 PM yesterday, को इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन चल रहा था तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाएंगे, बस इतना ही है। आगे देखो, अब जब भी हमें पता है कि पास्ट की हैबिट दिखानी हो, पास्ट का कोई फैक्ट दिखाना हो, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये तो हमें पता है। तो बस इतने ही नॉलेज के थ्रू अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तब काफी अच्छा होगा। जैसे कि देखो ये कुछ सेंटेंस, यहाँ पर 8 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। आगे आंसर लिखे हुए हैं फिर, है ना, पहले हम चेक कर लेते हैं। विद रीजन, यस्टरडे लिखा है, कल की बात है, आई वॉच्ड, मैंने देखी थी या देख ली थी दिस मूवी, ये मूवी मैंने देखी थी, कब देखी थी, कल, मैंने कल ये मूवी देखी थी, कल मतलब 24 घंटे का समय था, कल बहुत सारा समय था, तो कल किसी भी टाइम पे या 2-3 घंटे की या जो भी मूवी होती है कुछ समय की, वो मैंने देखी थी, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, मूवी देखने में समय लगता है ना, एक पल में तो देख के नहीं हो जाती है ना, कुछ समय देना पड़ता है, तो कल आपने कोई समय दिया और मूवी देख रही, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखो, आई वॉच्ड दिस मूवी दिस टाइम यस्टरडे, अब इसी सेंटेंस को थोड़ा घुमा लिया, मैंने देखी थी दिस मूवी मतलब ये वाली मूवी, दिस टाइम यस्टरडे इसी समय पर, कल इतने ही समय, कल इसी समय पर देखी थी स्टूडेंट, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सही बात है, अभी जो समय हुआ है, अभी मान लो 10 बजा है, तो कल के 10 बजे ही, कहने का मतलब ये, इसी समय कल देखी थी मतलब कल 10 बजे ही मैंने ये मूवी देखी थी। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 बजे कोई मूवी देखना स्टार्ट करे और 10 बजे ख़त्म हो जाए, 10 बजे पूरी मूवी देख के हो जाए, हाँ ये सही है कि 10 बजे मैंने किसी को देखा था, है ना, वो बोल सकते हैं किसी को देखा था तो एक पल में ही देख के हो जाता है, लेकिन मूवी देखने में तो टाइम कंज्यूम होता है ना, तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल घटिया मीनिंग निकल रहा है, खराब मीनिंग निकल रहा है, सॉरी ये सेंटेंस सही था ये गलत है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा स्टैंड, आपको बोलना पड़ेगा आई वॉज, सॉरी कितना बड़ा कर दिया मैंने ना, कोई बात नहीं, इसका छोटा छोटा छोटा, हाँ बात, आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी दिस टाइम यस्टरडे, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, आई वॉज वॉचिंग मैं देख रहा था, है ना, ये मूवी इस समय दिस टाइम यस्टरडे, तो उस समय पर आपका देखने का काम चालू था, देख के खत्म नहीं हो गया था, है ना, तो ये सेंटेंस सही है तीसरा वाला। फोर्थ देखो, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट खेला था, सही बात है, आई प्लेड क्रिकेट एट 3 PM यस्टरडे, 3 बजे दोपहर को मैंने क्रिकेट खेला था स्टैंड, क्या 3 बजे, जब जैसे ही 3 बजे आपका स्टार्ट हो गया खेलना और ख़त्म भी हो गया, क्या किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही एक्शन खत्म हो गया था क्या आपका, नहीं हुआ ना स्टैंड, तो आप कहना क्या इसको सही सुधारना है, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 3 PM यस्टरडे, ये गलत है ना, तो इसको आपको सुधारना, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस तो सही है, तो ये बन जाएगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 3 PM यस्टरडे, ये सही हो गया, सही है। वैसे ही आई सॉ अ गर्ल यस्टरडे, मैंने कल एक लड़की को देखा था, अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कल एक ब्यूटीफुल गर्ल को
देखा था। सही बात है, देखा होगा आपने कल दिन भर में, कभी भी देख लिया होगा। लेकिन स्टूडेंट देखने में बहुत समय तो नहीं लगता ना, इसलिए इसी को ऐसा भी बोल सकते, आई सॉ अ ब्यूटिफुल गर्ल एट 3 PM yesterday। एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यहाँ पर आपको उसकी कंटिन्यूस फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने का काम तो 3 बजे भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 3 बजे, जस्ट जैसी 3 बजे वैसी मैंने देखा। तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो देखो सही गलत क्या है यहाँ पर, आंसर देखो ये मैंने लगा के रखे हुए हैं, ओके ठीक है। आगे देखो अब ये रूल, हाँ ये देखो इसी रूल पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं वहां पहुंचा, ही स्टडीड देन, तब उसने पढ़ाई कर ली। हाँ क्या मतलब निकल रहा है भाई, ही स्टडीड देन, देन मतलब तब, तब उसने पढ़ाई कर ली, मतलब मेरा जैसे ही वहां पहुंचा उसी समय उसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और पूरी पढ़ाई करके खत्म कर दिया। अरे इतना छोटा सा एक्शन नहीं, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्शन है, इसलिए इसको आपको ये सेंटेंस हो जाता है गलत, इसका उटपटांग भी नहीं निकल रहा है कुछ की कुछ। आपको बोलना पड़ेगा ही प्लेड व्हेन आई वॉज, हाँ तो इसको आपको सही कैसे करेंगे, इसको इसको सही करेंगे, व्हेन आई रीच देयर ही वॉज स्टडिंग देन, ही स्टडीड नहीं, वॉज स्टडिंग लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, वॉज स्टडिंग, STUDYING, क्लियर है। He played when I was crossing the road. जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसने खेल लिया, मेरे रोड क्रॉस करते तक उसने खेल लिया था क्या सब चीज नहीं, खेल रहा था, ये सेंस निकलना चाहिए ना। ही वॉज प्लेइंग वेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो वो उस समय क्या कर रहा था, उसी टाइम पर खेल रहा था, है ना। तो यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, वॉज प्लेइंग आएगा, है ना। ही वॉज प्लेइंग, देखो ऐसा लिखना है आपको, ये टेंथ वाला गलत है, ये सही हो जाएगा वो, है ना। ही वॉज प्लेइंग वेन आई वॉज क्रॉसिंग द ओके। आगे देखो थोड़ा सा और रूल समझो, कंटिन्यूअस टेंस कभी भी यूज ना करें। किस कंडीशन में, जब आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, फ्रीक्वेंस मतलब एवरीडे दिया हो, डेली हो, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, स्कैसली, ये सब क्या बताते हैं, परमानेंट एक्शन, आपके रूटीन एक्शन, आपकी हैबिट को बताते हैं। और पास्ट की जब आपको हैबिट बतानी हो तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। और इस टाइप के अगर वर्ड दिख गए तो समझ लो वो हैबिट को बता रहे हैं, पास्ट में डेली रूटीन में होने वाले एक्शन को बता रहे हैं। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ना करें, पास्ट कंटिन्यूअस किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज ना करें। आपको क्या कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस के बदले पास्ट सिंपल का यूज कर देना है, ठीक है, V2 का यूज कर देना है। वैसे ही कुछ स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो हो जाती है, जिससे करते नहीं, हो जाती। जैसे आप कहीं से गुजरे, आपको कोई चीज़ सुनाई पड़ गई, आपने जानबूझ के तो नहीं सुना ना, है ना। नो, आप जानते हैं किसी को, और ऐसी है, ये ऐसी एक्शन है जो हो जाती है और जिसको करने के लिए आपको अपना समय नहीं देना पड़ता, टाइम कंज्यूम नहीं होता इन एक्शन में, इसलिए इसको भी कंटिन्यूस में नहीं लिखते। जैसे कि बताओ मेरे पास एक कार है, जैसे आज भी है, कल भी है, कई साल से कार है, तो क्या मेरे पास कार है इस बात पर मैं अपना समय खर्च कर रहा हूँ, क्या टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्या नहीं है। मैं डॉक्टर हूं तो क्या हर दिन मैं डॉक्टर हूं इस बात पर मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं, क्या आज मैंने इतने देर का काम किया अब मैं डॉक्टर बन गया इतने देर के लिए, फिर अगले दिन काम किया मेरे पर मैं डॉक्टर बन गया, वैसा तो नहीं ना। हूं तो हूं, इसमें कोई समय कंज्यूम हो रहा है क्या, मुझे अलग से समय देना पड़ रहा है क्या मेरे डॉक्टर होने के लिए, नहीं ना स्टूडेंट। तो ये ऐसा है, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, स्मेल, स्मेल का मतलब होता है स्टूडेंट, आपको, आप कहीं से गुजरे और आपको कोई चीज की स्मेल आ गई, है ना, तो स्मेल है। लेकिन जानबूझ के अगर आप स्मेल लेना चाहें, सूंघना चाहें जानबूझ के किसी चीज को, तब इसके साथ ing आ सकता है, समझो बात को, दो दो मीनिंग निकलते हैं किसी चीज के। जैसे नो का मतलब होता है जानना, किसी को जानने में समय खर्च होता है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, ऐसा मत बोलना आई एम नोइंग यू, नो, क्योंकि जानने में समय खर्च नहीं होता, है ना। वैसे ही हेट करने में, किसी को लव करने में, पसंद करने में, विश्वास करने में, किसी की रिस्पेक्ट करने में समय खर्च नहीं होता। थिंक का मतलब सोचना होगा तब समय खर्च होगा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, वो सही है। लेकिन मुझे लगता है, जब इसका मतलब हो जाएगा लगना, मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, आई थिंक यू आर अ गुड मैन, तब यहाँ पर थिंक की ing फॉर्म नहीं होगी लगने के सेंस में। वैसे रिमेंबर याद होना के सेंस में, याद करना के सेंस में अलग हो जाएगा, है ना, आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ, या तुम मुझे याद हो, है ना। ट्रस्ट, किसी को विश्वास करना, कोई चीज़ भूल जाने में समय थोड़ी लगता है, ट्रस्ट करने में ऐसा थोड़ी, अरे यार मुझे 2-3 घंटे का समय दो मैं तुम पे विश्वास करने के लिए, वैसा तो नहीं होता। विश्वास करते हो तो करते हो, नहीं करते तो नहीं करते। रिस्पेक्ट अगर करते हो तो करते हो, नहीं करते तो नहीं करते। तो इसलिए इन एक्शन का कभी भी हम ing फॉर्म नहीं बनाते। अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो आई वॉज हैविंग 4 cows,
क्या मतलब इसका? मेरे पास चार गाय हैं और आपने बना दिया आईएनजी फॉर्म हैव का। स्टूडेंट आपके पास जो गायें हैं उसमें कोई टाइम कंज्यूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये पजेशन को बताने वाली वर्ब है इसलिए सेंटेंस गलत है। आपको बोलना पड़ेगा आई हैड फोर काउज, मेरे पास चार गायें थी, ऐसा बोलना पड़ेगा। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट देन, मैं अब यहाँ हैव का मतलब खाना हो गया, खाने में तो समय लगता है ना, इसलिए अब ये सेंटेंस सही है। मैं उस समय क्या कर रहा था? ब्रेकफास्ट खा रहा था, अपना सुबह का नाश्ता खा रहा था, ठीक है। ही वॉज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स, रिस्पेक्ट करने में समय लगता है क्या? अरे हाँ, आज दो घंटे तक रिस्पेक्ट किया पेरेंट्स की, कल तीन घंटे करूँगा, हर दिन रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। रिस्पेक्ट करते हो तो करते हो, नहीं करते हो नहीं करते। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा आई रिस्पेक्ट, ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स। वॉज रिस्पेक्टिंग लिखा है ना पास्ट में, तो पास्ट में ही बनाना है आपको। सही सुधारना है तो आप क्या लिखोगे? ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, ऐसा बनाना पड़ेगा। दे वर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, वो हमेशा मेरी क्या करते थे? बुराई करते थे। स्टूडेंट यानी उनकी पास्ट की हैबिट को बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा करते थे। ये ऑलवेज ने बता दिया कि पास्ट की रूटीन एक्शन की बात हो रही, हैबिट की बात हो रही, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा वी टू में, है ना, पास्ट में लेके ही जाना है, तो क्या बोलेंगे? दे ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी, ये वर हट जाएगा और यहाँ पर रिस्पेक्टिंग का रिस्पेक्टेड क्रिटिसाइज्ड हो जाएगा, सॉरी क्रिटिसाइज्ड, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड मी, है ना, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड मी, ये सही हो जाएगा सेंटेंस, ये गलत हो जाएगा, सही है। सेवन का देखो, सी वॉज नेवर टेलिंग अ लाई, ये भी गलत है। नेवर लग गया मतलब आदत बता रहा है पास्ट की, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, सही बात है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी नेवर टोल्ड अ लाई, पास्ट सिंपल में बनाओ, पास्ट कंटिन्यूअस को, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो प्रेजेंट सिंपल में बना लेते हम। और देखो सी नेवर टोल्ड अ लाई, जब ये नेवर जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड है उसको पहले लिखकर भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन जब ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड को जब पहले लिखते हैं ना तो थोड़ा सा एम्फोसाइज ज्यादा हो जाता है। कभी भी झूठ नहीं बोलता था, नेवर, कभी भी, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, नेवर डिड सी टेल अ लाई। अब डिड आ गया तो डिड के बाद तो कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डू डस डिड के बाद, है ना, तो इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, है ना, नेवर डिड सी टेल अ लाई, ऐसा भी सही है। जैसे कि आई वॉज ऑफन गोइंग टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाया करता था, मतलब पास्ट की मेरी रूटीन एक्शन थी, मैं जाया करता था या नहीं भी जाता था, जो भी है, नेवर बोलो ऑलवेज बोलो, कहीं ना कहीं आप अगर फ्रिक्वेंसी बता रहे हो आप, है ना, कंटिन्यूटी को बता रहे हो, अपनी रूटीन को बता रहे हो, तो आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। आई वॉज ऑफन गोइंग टू टेम्पल गलत है, आई ऑफन वेंट टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाया करता था, तो ये सही हो जाएगा स्टूडेंट, सही बात है। इतना ही है क्या? हाँ चलो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ही देना स्टूडेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।